साउथ के सुपरस्टार, ये चेहरा आपने देखा होगा, कई बड़ी फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। नाम है पवन कल्याण। सियासत और राजनीति पर आधारित फिल्मों में काम करते करते अब ये राजनीति के भी बड़े चेहरे बन गए हैं। जी हाँ, पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया है। उनके चाहने वालों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पवन कल्याण के बड़े भाई का नाम चिरंजीवी है, जिन्हें आप जानते होंगे। साल 1996 में पवन ने अक्कड़ अम्माई लक्कड़ फिल्म से अपना डेब्यू किया था। ठोली प्रेमा के लिए उन्हें 1998 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर उन्होंने 2008 में प्रजा राज्यम नाम से एक पार्टी बनाई। हालांकि बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। इसके बाद वो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे और फिर 2014 में उन्होंने एक जनसेना पार्टी की स्थापना की। 2014 में कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन टीडीपी और बीजेपी का समर्थन किया था। 2019 में वो अकेले चुनाव लड़े थे, लेकिन इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार के बाद पवन रुके नहीं, जीत की तैयारी में लग गए और 2024 में यानी कि इस साल उनकी पार्टी ने टीडीपी और भाजपा के साथ गठबंधन किया और आंध्र की 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। साथ ही इनकी पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत मिली, यानी कि स्ट्राइक रेट 100% रहा। संसद भवन में जब एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ जो दिख रहा है ना पवन, वो पवन नहीं आंधी है। पवन कल्याण 4 बार शादी कर चुके हैं, 3 बार तलाक हो चुका है और 4थी शादी इन्होंने रूस की रहने वाली मॉडल अन्ना लेजेनवा से की है। सुनहरे पर्दे से राजनीति में आए पवन कल्याण का नाम इस समय राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। एन चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान पवन कल्याण ने भी आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। वो अब राज्य के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम के रूप में हमें नजर आएंगे। इस बार 24 मंत्रियों की लिस्ट में पवन कल्याण की पार्टी के 3 और भाजपा से 1 मंत्री चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में शामिल है। तो साउथ का सुपरस्टार अब डिप्टी सीएम बन गए हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।